नमस्कार, द एंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। ऐसा माना जाता है कि समाज में महिलाओं की वर्तमान दुर्दशा का एक बड़ा कारण उनका आर्थिक रूप से दूसरों के ऊपर निर्भर रहना है। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महिलाओं को सशक्त करने के लिए, उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। आज की कड़ी में भी आपको ग्राफिक्स के जरिए उन फैसलों की जानकारी दी जाएगी जिसके जरिए गहलोत सरकार महिलाओं को सशक्त बना रही है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत महिलाओं के लिए आरक्षित की गई 30% उचित मूल्य की दुकानें, चतुर्थ श्रेणी पद पर अनुकंपा के रूप में नियुक्त महिलाओं को कनिष्ठ लिपिक पद पर पदोन्नति के लिए हटाई कंप्यूटर योग्यता की अनिवार्यता, 2 साल के कार्यकाल में सामूहिक विवाह के तहत 6162 जोड़ों को किया गया लाभान्वित, महिलाओं को दिया गया निःशुल्क कंप्यूटर बेसिक कोर्स प्रशिक्षण योजना से प्रदेश की 92,739 महिलाएं बालिकाएं हुई लाभान्वित, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत बालिका के जन्म पर फलदार पौधारोपण कार्यक्रम किया शुरू, कार्यक्रम के तहत महिला अधिकारिता निदेशालय और टेक्नोलॉजी पार्क मानसरोवर में विकसित की गई कन्या वाटिका, पोषण वाटिका विकसित करने के लिए 30 जुलाई 2020 को वृहद स्तर पर पौधारोपण कार्यक्रम किया गया शुरू, 1 से 15 अगस्त तक मनाया गया पोषण वाटिका पखवाड़ा, पूरक पोषाहार के अंतर्गत 40 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को दाल और खाद्यान्न का किया गया वितरण, लाभार्थियों की संख्या में हुई लगभग 8 लाख की बढ़ोतरी, 60,000 से अधिक आंगनबाड़ियों में पोषण वाटिकाओं के विकास के लिए किया 9 करोड़ रुपए का प्रावधान, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 6,000 रुपए से बढ़ाकर किया 7,500, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 4,500 रुपए से बढ़ाकर किया 5,750 रुपए, आंगनबाड़ी सहायिकाओं का मानदेय 3,500 रुपए से बढ़ाकर किया 4,250 रुपए, आशा सहयोगिनियों और साथिनों का मानदेय बढ़ाया 200 रुपए प्रति माह। इस तरह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने 2 साल के कार्यकाल में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया। दूसरी ओर लिंगानुपात बढ़ाने की दिशा में भी काम किया ताकि महिलाओं को सही मायनों में अपने पैरों पर खड़ा होने के काबिल बनाया जा सके, ताकि वो देश प्रदेश के विकास में सक्रिय भागीदारी निभा सकें।